हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल आर्ट विद फन पर। फ्रेंड्स, मैं लेके आती हूं यहां पे तरह तरह के वीडियोस। आज का वीडियो है मेरा कैंडल स्टैंड कैसे बना, तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। आइए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स लिए हैं मैंने दो दीपक जो कि मेरे पास पहले के रखे हुए थे। इनको मैं करूँगी पेस्ट। आप फेविकोल की हेल्प से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेविक्विक। इनको मैंने कर दिया अच्छे से पेस्ट। फ्रेंड्स अब इसको ड्राई करने रख देते हैं। ये दोनों अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। अच्छे से ड्राई होने के बाद अब हम इन पर करते हैं कलर। तो फ्रेंड्स कलर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ वाइट कलर। वाइट कलर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा दिखता है। इस पर कोई भी ऊपर हम किसी भी दूसरे कलर से डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई भी कलर ले सकते हैं, डार्क भी ले सकते हैं, लाइट भी ले सकते हैं। बट पहले में अगर हमारा वाइट बेस है तो हम इजीली कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम डार्क कलर लेते हैं तो फिर हमको ध्यान रखना हो कि लाइट कलर ही हम ऊपर अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स ये मैं कर रही हूँ कलर। ये हमारा कलर हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसको सिंपली कलर करूँगी और सिंपल डेकोरेट करूँगी। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने लिए मटर के दाने जो कि ड्राई हैं एकदम। ये हमारी किचन में ड्राई मटर होती है, इजीली अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फेविकोल अप्लाई करूँगी, उसके बाद मटर के दानों को पेस्ट करूँगी। तो फेविकोल लगा लेते हैं पहले। फ्रेंड्स फेविकोल जब भी आप अप्लाई करें तो थोड़ी देर के लिए, वन मिनट के लिए इसको छोड़ दें। ऐसे ही थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा फेविकोल तो ईज़िली आप इस पर मटर के दाने पेस्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये पूरा लगा दिया। अब मैं इस पर मटर के दाने चिपका देती हूँ और ये मैं चिपका के एक लेयर लगाती हूँ पहले, उसके बाद दूसरी लगाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने चिपका दिया है पूरी तरह से और मैंने सूखने रख दिया है। ये दूसरा दीपक लिया जिसका हम कैंडल स्टैंड बना रहे हैं। मैंने लिया एक ईयरबड्स, उसकी हेल्प से मैं लगा रही हूँ यहाँ पे डॉट डॉट बना रही हूँ रेड कलर से। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, दोनों ही कलर बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी और डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर ये सारे रेड रेड डॉट बना लूँगी, उसके बाद में मैं इसके ऊपर से ब्रश की हेल्प से कुछ और डॉट्स रखूँगी। यहाँ पर ले रही हूँ मैं उसके लिए गोल्डन कलर, और गोल्डन कलर से मैं एक ब्रश की हेल्प से छोटे छोटे डॉट्स रखूँगी जो मैंने रेड डॉट पहले से रखे हुए हैं उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, पास से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई और भी डिज़ाइन इसमें क्रिएट कर सकते हैं, और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं नीचे से अब डॉट्स रख रही हूँ, नीचे की जो लेयर है हमारी उस पर डॉट्स बना रही हूँ ईयरबड्स की हेल्प से। फ्रेंड्स मैंने लिया है रेड कलर, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। और अब जो दीपक में लाइनिंग बनी हुई है ऑलरेडी, मैं उनके ऊपर ही लाइनिंग बना रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कोई और फ्लावर भी बना सकते हैं, जो अगर आपके प्लेन दीपक हैं तो आप वहाँ पे फ्लावर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई और भी साइज़ का आप दीपक चूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास इस टाइप का दीपक था तो मैंने यही चूज़ किया। अब मैं इसको ड्राई करने के लिए रख देती हूँ और दूसरे दीपक में तब तक के लिए हम कुछ काम करते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है, सारा मटर अच्छे से ड्राई हो गया है। इसको अब मैं कलर करूँगी। फ्रेंड्स इसको कलर करने के लिए मैं लेती हूँ यहाँ पे गोल्डन कलर और एक ब्रश। ब्रश आप कोई भी ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पतला ही ब्रश लीजिए आप, दो तीन नंबर का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस पर मैं गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ, और फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा हमको कि हमको इसमें दो तीन कोट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो मटर के दाने होते हैं जल्दी कलर नहीं पकड़ते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं अंदर कर देती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर करूँगी। ये बहुत ही अच्छा दिखता है फ्रेंड्स, जब कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छा दिखता है। बट हमको ध्यान से पूरे ही अच्छे से मटर हमको कलर करनी होगी। यहाँ पर मेरे दोनों ही दीपक तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर बीड्स लगाए हैं ऊपर, और मैंने इसमें छोटे छोटे मिरर्स लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने ऊपर भी मिरर लगा दिए हैं, बीच बीच में बीड्स लगाए हैं, और ये दीपक मेरा पूरा कलर होके बहुत अच्छा दिख रहा है, गोल्डन दिख रहा है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे सिल्वर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये दीपक मेरे दोनों रेडी हैं, कैंडल स्टैंड मेरा तैयार हो गया है बनके। इसको आप मंदिर में भी रख सकते हैं और आप रंगोली के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।